हाय गाइस, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया ये तीन तरीके हम लोग जानते हैं अब पाइथन कोड लिखने के और उसको रन करने के। चौथा तरीका हमारा पाइचार्म का यूज़ करके है कि कैसे पाइचार्म का यूज़ करके पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पाइचार्म हम लोगों ने पहले ही इंस्टॉल करके रखा हुआ था, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा। सो पाइचार्म इंस्टॉल करके रखा हुआ, डेस्कटॉप में मेरे आइकन भी है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल है ये पाइचार्म, में बहुत ही बढ़िया आईडीई है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। बट जैसे कि मैंने बताया था कि आप इसमें वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कम्युनिटी एडिशन है। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको फिर इसका प्रोफेशनल एडिशन उसको परचेज करना पड़ेगा, जो कि हमारे बस का फिलहाल नहीं है बिकॉज हम लोग स्टूडेंट हैं। देखते हैं चीज़ें इसमें कैसे काम करती है। ये हमारा पाइचार्म है। एक आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इसको इंस्टॉल करना बताया था, तो मैंने उसमें एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था फर्स्ट पाइथन के नाम से। तो वह फोल्डर अभी भी यहाँ ओपन है। आप चाहें तो नया प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फाइल में जाना है, देन न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए जो भी होगा। मान लीजिए कि मैं आपको एक नया क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम लोगों ने बनाया था पिछली बार पाइथन प्रोजेक्ट नोटपैड वाले में, तो वही मैंने लिख दिया। उसको लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको और भी सेटिंग्स मिलती हैं, लाइक ये इन्वायरमेंट यूजिंग दिस लोकेशन, आपका ये जो हमारा प्रोजेक्ट लोकेशन है वह कहाँ का है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। देन इंटरप्रेटर कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इससे हम लोग को कुछ खास अभी करना नहीं है। अगर हमारे पास कुछ और होता तो हम लोग उसको सेट करते। मे बी आपका इंटरप्रेटर कुछ और होता, एनाकोंडा होता, या फिर कुछ और आपको यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती तो आप यहाँ से मैनुअली इसको सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल नहीं है, उसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट फोल्डर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम। अभी हम लोग इसमें क्रिएट में क्लिक करेंगे। ओके, ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट कैन ईदर बी ओपन इन अ न्यू विंडो और रिप्लेस दिस प्रोजेक्ट। तो रिप्लेस कर देता हूँ मैं, दिस विंडो लिख देता हूँ तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट फोल्डर हमारे लिए सब कुछ तैयार कर रहा है बिकॉज ये एक आईडीई है, तो ये सब कुछ हमें प्रिपेयर करके देता है। हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ से तैयार हो गया। आप देख पाएंगे पाइथन प्रोजेक्ट, और यहाँ हमें पाइथन का एक फाइल बनाना है तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाए जल्दी से। न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद पाइथन फाइल यहाँ क्लिक कीजिए और फाइल का नाम लिख देते हैं हम लोग हेलो, और इसको हम लोगों ने किया ओके। और ये हमारा फाइल बनकर तैयार है। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। और यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखना है प्रिंट, मैंने यहाँ प्रिंट लिखा बट दिखाई नहीं दे रहा, फॉन्ट बहुत ही छोटा है। जब मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सो सबसे पहले इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट बड़ा करने के लिए आपको फाइल में जाना है, देन यहाँ से सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा एडिटर। देखिए यहाँ पर एडिटर, देन फॉन्ट्स, और यहाँ से आपको इसको इंक्रीज करने का। हम लोग इसको कर देते हैं 18, कितना बड़ा हमें दिखाई देगा, या फिर इसको कर देते हैं 20, कितना बड़ा दिखाई देगा, 20 रहने देते हैं, 20, और अप्लाई कर देते हैं ओके। तो यहाँ हमें अब बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो प्रिंट और हमारा कोड है कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही बेहतरीन कोड एडिटर है मेरे ख्याल से पाइचार्म पाइथन के लिए, बिकॉज ये आपको ऑटो कंप्लीशन का फीचर भी दे रहा है हेलो वर्ल्ड। और इसको रन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, रन में जाना है, देन यहाँ से रन में क्लिक करना है। और ये आपको पूछेगा कि कौन सा रन करना है, तो हमें हेलो वाला रन करना है। रन हेलो में क्लिक किया और यहाँ नीचे आपको इस जगह पर आउटपुट दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। क्योंकि अगर कुछ और है, मान लीजिए कि हम लोग इसमें से एक वेरिएबल वाला बनाते हैं 10, देन बी इक्वल 20, देन सी इक्वल ए प्लस बी, और हम लोग यहाँ से प्रिंट करते हैं सी को, और इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ से रन में जाना है और यहाँ से ये वाला रन क्लिक करना है, या फिर आप सिंपली यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ फाइल आपका सेट है, सिंपली रन में क्लिक कीजिए और आपको यहाँ स्क्रीन में आउटपुट दिखाई देगा। तो ये है पाइचार्म, जो कि बहुत ही ईजी है मेरे ख्याल से। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें देख ली एक्स्ट्रा कि कैसे आप
कोड लिखेंगे, कैसे आप इसको रन करेंगे, साथ में फॉन्ट साइज कैसे आपको बड़ा या छोटा करना है। अगर आपको इस पूरे विंडो का, पूरे थीम का फॉन्ट बड़ा छोटा करना है तो आपको इसी सेटिंग्स में जाना है। देन यहाँ से आप अपीरेंस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपीरेंस में देन आप कस्टम अपना वाला, अभी ये ड्रैकुला थीम पर है, या थीम आप चेंज कर सकते हैं इसका चाहे तो, और आप चाहे तो कस्टम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर अगर 20 कर दूँ, इसको अप्लाई करूँ, तो मेरा पूरा विंडो का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, देख सब कुछ बड़ा बड़ा दिखने लगा है। सो ये भी आप कर सकते हैं, सेटिंग है, आप सेटिंग में थोड़ा सा इसके साथ और वक्त बिताइए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। सारी IDE और जो सारे जो एडिटर होते हैं सब कुछ सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस आपको सेटिंग्स निकालने हैं और इसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना है। ओके, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना ये थीम, और आई गेस इसमें आपको थीम कहीं से इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिल सकता है। सो वो सारी चीज़ें देखिएगा अगर आपको ये वाला IDE यूज़ करना है तो। कैंसिल करता हूँ मैं, कैंसिल करने के बाद इसको हम लोग यहीं पर क्लोज कर देंगे, बिकॉज़ यही हमारा है PyCharm। अगर हम लोग भविष्य में PyCharm को और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मैं इसके बारे में एक आपको क्रैश कोर्स वीडियो बना कर दे दूँगा कि सारे फीचर्स कैसे, नेविगेट में क्या क्या चीज़ें हैं, कोड में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने मन बनाया कि मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, बट भविष्य कौन जानता है, क्या पता कभी हमें यूज़ करने की आवश्यकता पड़े। सो इसीलिए ये नहीं कह रहा कि इसका यूज़ नहीं करना है, आपको सीख कर सब रखना है, ठीक है, सीख कर सब रखना है, बिकॉज पता नहीं आप जहाँ काम करेंगे, जहाँ जॉब करेंगे, वहाँ आपको कौन सा एप्लीकेशन मिले काम करने के लिए। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे आप पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।